हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी हम पता क्या करेंगे, हम जाएंगे लम्स, वहाँ पे हो रहा है इवेंट और भाई को बुलाया हुआ है। बीच में हमें उठाना है बहुत सारे लोगों को, हौरा को उठाना है, हसीब को उठाना है, नोमान को उठाना है, बहुत उठाऊ हो गया हूँ मैं आजकल। निकल रहे हैं बैरिया टाउन से मलिक रियाज जानी, अगर तुम्हारे ब्लॉग्स देखते हो तो क्या घटिया पन है यार। इस चौक को कुछ सही करा, उस चौक में बंदा आधा घंटा खड़ा रहता है सिर्फ उसको क्रॉस करने के लिए, इतना रश होता है। तो सही करो यार, बैरिया टाउन की एंट्रेंस है वो। अभी हम शॉर्टकट लेने के लिए जाएंगे एक और नाले वाली साइड से। उस नाले का ये सीन है कि वो भी बहुत जो है ना, मतलब एक ही गाड़ी जाती है या आती है। आई एम व्लॉगिंग एंड आई एम ड्राइविंग, ओ माय गॉड, आई एम सच अ मल्टीटास्कर। ये है वो नाला, देख रहे हैं आप, या तो आप आ सकते हैं या आप जा सकते हैं। वी आर लिविंग ऑन द एज राइट नाउ। यो, पीछे एक बंदा ना हॉर्न दिए जा रहा है, पाँप पाँप। आगे जगह होगी तो यार जाऊंगा ना, जुतूर में हॉर्न होना, और इतना हॉर्न नहीं होने की क्या जरूरत है। और आगे इंतजार हो रहा है, और इंतजार जब भी मैं करता हूँ थोड़ा सा मैं गाना गाता हूँ। शहनाइयों की सदा कर रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। उसका नाम हौरा है, हौरा मतलब जैसे कोई गोश्त कच्चा होता है तो पूछते हैं ना कि ये कितना कच्चा है, तो क्या बोलते हैं? सीबा सीबा, आज प्योर लोड़ी, प्योर लोड़ी। जल्दी नहीं आगे, देखो मैं 3 बजे का तैयार होकर बैठा हूँ। मैंने नुमान को फोन किया, नुमान 4 बजे का तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि हम पहले से ही लेट आए थे, और ये हुआ मेरी वजह से, क्योंकि एक तो मेरा गीजर नहीं चल रहा था और दूसरा मैं लेटा रह गया। मुझे पता है लेटे रहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेट होना बहुत गलत बात है। तो हमने मोरू भाई की परफॉर्मेंस को जाते जाते बस पूंछ से पकड़ लिया, यानी कि आखिरी 10 मिनट्स उनको ज्वाइन कर लिया और इंजॉय द लाइफ कर लिया। थैंक यू लम्स, आप लोगों ने हमें सैंडविच भी दिए। शेबी शेबी सी जगह, ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को अगवा करके ले आते हैं। इसको अगवा किया है हमने, खुद ही अगवा होके आई है। तो बार बार क्यों गिराती हो उसमें स्पीक्स को, कदर करो उसकी। सफाई तो कर दी है ना, क्योंकि व्लॉग बन रहा है। ये भाई यहाँ पे हमारी पड़ा होता है सारा स्टफ जो आप ऑर्डर करते हैं। स्लेइंग इन पिंक, स्लेइंग इन ब्लैक, Slaying in always slaying piece of art। ये जो piece of art आप देख रहे हैं, और ये जो piece of art आप देख रहे हैं, ये इन्होंने बनाए हैं। तालियां। भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं हमारी शर्टें ले लो बोल के दिखाओ। अब मैंने सोचा है कि जैसे Osmo Speaks एंड होगा, हमारी शर्टें ले लो, आप लोग भी बोलोगे, एक वीडियो बनाओगे और मुझे सेंड करोगे नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, और जो बेस्ट होगा वो बंदे फीचर होंगे। एक तो खुशी मिलेगी कि आप फीचर हुए, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा क्या मिलेगा है, ये मर्च मिलेगा, वो भी साइंड। इधर सर पे करूंगा तो पंडित लगेगा, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। हाँ। अब क्या ये साइंड टी शर्ट सबको मिलेंगी? अरे थोड़ी तक सिर्फ बहू रामी फैंस को मिलेंगे। और समो मर्च पहन के आपने बोला है हमारी शर्टें ले लो, जितने ज्यादा लोग होंगे फ्रेम में उनके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक तो मर्च पहनना है, ज्यादा लोग होने और अच्छा बोलना है। ये क्या हुआ, मैं अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है मैं नहा के आया हूँ? परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, ये भाई साहब ने बोला ही। घोड़ा कैसे भागता? चलो नमी हमें गाना सुना दो। वहीं शुरू से आस है लिरिक्स मुझे तो याद ही नहीं, क्या करूं मुझे पता नहीं है। अली अजमत अगर हमें सुनेगा ना, चुन चुन के मारेगा। I'll find you. आज रजा भाई गए थे अपना जहेज लेने के लिए। We bought this. ब्रांड नहीं दिखा, ब्रांड ब्रांड छुपा हुआ है, ठीक है। बॉडी वॉश है, मर्दों वाला, हेलीकॉप्टर का, ये क्या बोलते हैं, क्लच है, फेस वॉश, लाडू का फेस वॉश। क्योंकि ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन्होंने मुझे बताया कि आपका जो ये चिकना चेहरा हर वक्त ग्लो करता रहता है, और आपकी जो नाक जो हर वक्त चमकती रहती है और आंखों में लोगों को लगती रहती है, उसका हल ये है कि आप चारकोल वाला फेस वॉश यूज करें। ब्रांड आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मुफ्त की एंडोर्समेंट हम करते नहीं है। लड़कियों को करीब लाने के लिए स्प्रे खरीदा, पोस्ट शेव प्लस
फेस केयर, उसके बाद आपको खूबसूरत दिखना शुरू होगा। स्किन मुलायम करने के लिए, इतनी मुलायम कि दिल फिसल जाए। अपने लिए मोर्टिन का रिफिल भी खरीद लिया। मुझे वैसे भी नहीं पसंद कि कोई भी इस तरह आए और मेरी खूबसूरती जल्द से जो है खून पीना शुरू कर बगैर कंसेंट के, बगैर कंसेंट, बगैर कंसेंट के, बिना पूछे। उन्होंने अपने लिए कॉटन बर्ड्स खरीदे। ये नहाने के बाद ऐसे ना, आप जब निकलते हो ना पानी आपका मतलब कानों में, इससे ना आऊंगा मैं। ये देखो बबून की पट्टी, अभी मैं ऐसे लगाऊंगा। पहले रजा समो बहुत परेशान हुआ करते थे और अब बेबी वाइप यूज करने के बाद अब मेरी बीवी मेरी तरफ मुंह करके सोती है। क्या क्या है आपके पास बाजी? कितनी अच्छी लग रही है बाजी पे, क्या अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा बाजी? बाजी ने पहन लिया जोन। यार ये तुम्हारे फूल मेरी गाड़ी में नीचे गिर रहे हैं। अब्बू बोलेंगे कहाँ स्वागत मना के आए हो।